जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि असम राइफल का 11 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स आज 10 सितंबर को एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, असम राइफल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा और स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी क्या रहने वाली, इसकी पूरी जानकारी दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी किया गया है, जो 11 से 17 सितंबर 2021 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा 8 नंबर पेज में। जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी देख पाएंगे। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको alljobsforyou.com पे जाना होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप इस पेज से अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे, मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे असम राइफल ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आकर अपना ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं अभी पूरी जानकारी आपको देता हूँ उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपका एज लिमिट और आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल, और आगे आप देख पाएंगे यहाँ पे असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। चलिए मैं पूरी जानकारी आपको एक एक करके देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो आप इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 25 अक्टूबर 2021 रखा गया। इससे पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा और 11 सितंबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा यहाँ पे दे रखा है। और जैसे अप्लाई स्टार्ट होगा, मैं सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा अपने घर बैठे अपने फ़ोन से। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लीकेशन फ़ी, जो अप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है ये ग्रुप बी के लिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ग्रुप बी के लिए आपका 200 रुपये चार्ज लगेगा और ग्रुप सी के लिए आपका 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। ये जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को चार्ज लगेगा। और यहाँ पे आपका एसबीआई करेंट अकाउंट और यहाँ पे ब्रांच और आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आपको पेमेंट करना होगा। बाकी लोगों का चार्ज नहीं देना होगा, जैसे SC ST फीमेल सर्विसमैन, इन लोगों का कोई चार्ज नहीं पे करना होगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, आप जैसे फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा PT PST सेंटर यहाँ पे दे रखा है, जैसे असम में है और ये असम में कहाँ कहाँ है आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका PT PST सेंटर रहने वाला है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PT PST के बाद। उसके बाद और भी जानकारी यहाँ पर दे रखा है एग्जाम सेंटर का, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जाना होगा, जैसे PT हो, टेस्ट हो या फिजिकल हो, तो वहाँ पे आपको ये सब मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। चलिए और आगे यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कटअप, सबसे पहले यहाँ पर कटअप आप देख लीजिएगा, आपका एज का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका एज क्या मांगा जा रहा है और आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए आपका जो कटअप रहने वाला है यहाँ पे दे रखा है 18 से 23 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आपका 23 वर्ष कब तक का जोड़ा जाएगा, तो अगस्त 2021 तक का आपका 23 वर्ष काउंट किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एज 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एज में छूट आपको नियमानुसार देखने को मिल जाएगा, जैसे SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, उसके बाद एक सर्विसमैन ये सब का यहाँ पर एज लिमिट दे रखा है, तो आप अगर इस सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे आने के बाद फिजिकल की यहाँ पर जानकारी दे रखा है, चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर कैटेगरी दे रखा है, स्टेट दे रखा है, उसके बाद हाइट, उसके बाद यहाँ पे चेस्ट ओनली मेल के लिए नॉर्मल, और यहाँ पे फुलाकर आपका चेस्ट क्या लगेगा। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे एज जो आपका रखा गया है 1.70 रखा गया, आपका जो हाइट रखा गया 1.70 रखा गया, और यहाँ पर नॉर्मल आपका चेस्ट 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, तो 80 से 85 आपका चेस्ट मांगा गया है।
बाकी अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा असम से, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख लीजिए। आपका जो हाइट रहने वाला 1.65 रहेगा और 1.78 है आपका चेस्ट, तो भी नॉर्मल 1.78 है तो ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1.78 से 1.83 होना चाहिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो हाइट रहना चाहिए 1.62.5 रहना चाहिए और यहाँ पे आपका चेस्ट रहेगा, आपका जो चेस्ट रहने वाला है 76 से 81 रहेगा। तो आप इसको एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये यहाँ पे ऊपर दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये सब पोस्ट के लिए दे रखा है, जैसे कुक का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का है, तो ये सब इन सब ये जो आप देख रहे हैं स्टेट का जो फिजिकल दे रखा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेट का फिजिकल जैसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनका जो रखा गया 1.70 रहेगा, 1.65 रहेगा, सेम वही रहने वाला है। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा ऑल कैंडिडेट का जो नीचे दे रखा है उनको छोड़कर, उसके बाद आपका छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये लगेगा, अगर ये सब इससे बिलोंग करते हैं तो आपका ये हाइट चेस्ट रहने वाला है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपका ये रहेगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, अगर आप हवलदार क्लर्क से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे स्टेट और कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, हाइट और यहाँ पे आपका चेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें फीमेल भी अप्लाई करेंगे, देखिए कौन कौन से फीमेल, देखिए इसमें भी फीमेल अप्लाई करेंगे, सॉरी ये जो ऊपर था ये मेल का था और मैंने फीमेल का छोड़ दिया, यहाँ पे इसमें फीमेल भी अप्लाई करेगी, जिनके 1.70 हाइट चाहिए और 1.57 फीमेल का चाहिए, और फीमेल के लिए चेस्ट नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ फीमेल का ये सब यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप देख पाएंगे। क्लर्क के लिए फीमेल अप्लाई करेंगी, जिसके लिए आप इनका 1.65 मेल का मांगे क्लर्क में और 1.55 मांगे फीमेल का क्लर्क में, और मेल का मान लीजिए यहाँ पे चेस्ट मांगे 77 और 82 आपका फुलाकर होना चाहिए आपका चेस्ट। तो यहाँ से आप अपना चेस्ट देख लीजिएगा मेल और फीमेल, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट भी मिलेगा, तो अपना छूट भी यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दूसरे पेज में देखने को मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपका PT के लिए दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स आपका जो 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा लद्दाख का छोड़कर, 5 किलोमीटर मेल का रनिंग किया जाएगा जो 24 मिनट मांगा जा रहा है। वहीं फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है फीमेल का, तो फीमेल का 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर 1 मील रनिंग होगा, जिनका 8 मिनट 30 सेकेंड समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका 1.6 किलोमीटर मेल का होगा, उसके बाद फीमेल का और समय आपको दिया जाएगा 36, उसके बाद फीमेल का रहने वाला 800 मीटर, इनका समय दिया जाएगा 4 मिनट। तो ये आपका फिजिकल हो गया, अगर आप फिजिकल देख रहे हैं यहाँ पर आपका रनिंग है तो चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप EWS जनरल से अप्लाई करेंगे तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है 35%, ये कट ऑफ आपका अलग बनेगा, और SC ST OBC का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है 33% रहेगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं इस पर एक अलग से आपका रिटेन का लेकर वीडियो बना दूंगा। ट्रेड टेस्ट आपका होगा रिटेन के बाद, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और भी मेडिकल आपका रहने वाला है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला PT PST, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट नहीं, उसके बाद फ्रेंड्स आपका रिटेन टेस्ट रहने वाला, उसके बाद ट्रेड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना दीजिएगा। पे स्केल यहाँ पे मेंशन अभी नहीं किया गया। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी टॉपिक पर बात करता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपका एज है वो दे रखा है, जैसे यहाँ पे पोस्ट वाइज एज दे रखा है, कौन से पोस्ट में क्या आपका एज लगने वाला है, तो यहाँ से आप देख लीजिए। अगर आप क्लर्क से अप्लाई करते हैं तो आपका जो एज लगेगा 18 से 25 लगने वाला है। उसके बाद और भी नीचे आएंगे तो सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना एज चेक कर लीजिएगा, आपका एज क्या लगने वाला है, एज में छूट आपको नियमानुसार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आगे आपसे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे जैसे वैकेंसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले अंडमान निकमार का है, इसमें फ्रेंड्स हवलदार क्लर्क में ये भी जनरल के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ये SC ST, ये SC है, ST है, OWS है, EWS OBC है, EWS है, जनरल है, टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टोटल हवलदार में 20 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स वारंट ऑफिसर में आपका एक पोस्ट है और असम राइफल इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल में आपका एक पोस्ट है। तो ये यहाँ से आप पोस्ट देख लीजिए, आपका स्टेट वाइज पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। ये दूसरा पेज था, चलिए मैं तीसरे पेज पे चलता हूँ, तीसरा पेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो तीसरा पेज है फ्रेंड्स, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और ताकि आपको साफ दिखे।
तो यहाँ पे असम के लिए भी दे रखा है, असम में कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार का भी दे रखा है, हवलदार क्लर्क के लिए 20 पोस्ट है, और भी यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का दे रखा है और दादर हवेली का दे रखा है, दिल्ली का दे रखा है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा alljobs4.com पे, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं अगले पेज की तरफ चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे स्टेट का ये दे रखा है, कौन से कैटेगरी में कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, ये सारे स्टेट का यहाँ पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये 4-5 पेज में आप। तो फ्रेंड्स ये लास्ट पेज है जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे आपकी वैकेंसी की पूरी जानकारी दे रखा है, सारे स्टेट की वैकेंसी यहीं पे दे रखा है, और यहाँ पे रैंक डेट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में, जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।